और स्टॉक जहां पर लगातार ऑर्डर विंस आते भी रहते हैं, L&T, यहां पर CLSA की रिपोर्ट आई है, 4,360 का उन्होंने टारगेट दिया है, तो करंट लेवल से ₹1,000 ऊपर का इनका टारगेट आया है। जेफरीज भी 4,135 के टारगेट दे रहे हैं, तो बढ़िया मोमेंटम है, पिछले हफ्ते भी कुछ ऑर्डर्स इनके बेसिस पर आए थे। मेहुल जी, एक बार L&T का चार्ट देखें सर, बताएं इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं। निपंश, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हो गया ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जब भी वो 3,400 के ऊपर निकलेगा तो और मोमेंटम आएगा ऑन द अपसाइड, तो यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह है। ओवरऑल 3,300 का सपोर्ट है, यानी कि वो स्टॉप लॉस हो सकता है, डिप पर बाइंग की जा सकती है, 3,400 के ऊपर भी की जा सकती है। यहाँ से ऐसा लग रहा है जो गैप फॉर्मेशन था अराउंड 3,500 के आसपास का एक गैप डाउन है, तो उस गैप को फिल करने का अटेम्प्ट करेगा आने वाले कुछ एक दो हफ्ते में, तो ओवरऑल काउंटर बहुत अच्छा है, 3,500 के अपसाइड देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए L&T, जहां पर आपको रखनी है नजर। गेल, इस पर भी आज ब्रोकरेज एक्शन है, हालांकि जो टारगेट